हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल पीएस क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम डाउट्स लेंगे जो मैंने वीडियो स्टैटिस्टिक्स की और अकाउंट्स की अपलोड की हैं, उसके डाउट्स लेंगे। लेकिन उससे पहले पंकज मेहता, इमरान खान, अंशु पांडे, जीडीएस प्रो, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्रिप्शन। इन्होंने हमारे चैनल को रिसेंटली सब्सक्राइब किया, तो चलिए बढ़ते हैं डाउट्स की ओर। तो ये बात करते हैं डाउट्स के बारे में, ठीक है। जो पहला डाउट है हम लेंगे अकाउंटिंग वर्सेस अकाउंटेंसी, ठीक है। ओके, देखिए जो पहला डाउट है, हालांकि डाउट नहीं, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, वंशिका दुआ जी का। वो बोल रही हैं कि यू आर एक्सप्लेनिंग रॉन्ग बिकॉज अकाउंटेंसी इज बॉडी ऑफ नॉलेज। उन्होंने बोला कि अकाउंटेंसी इज बॉडी ऑफ नॉलेज। देखिए, मैंने उस वीडियो में क्या बोला था कि बॉडी ऑफ नॉलेज कंसिस्टिंग कॉन्सेप्ट कन्वेंशन अजम्पशन प्रिंसिपल रूल्स इज अकाउंटिंग, ठीक है। और उसके बाद जब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, इसके काउज एंड इफेक्ट को जानते हैं, तब हम अकाउंटेंसी का यूज़ कर रहे होते हैं। उस वीडियो में मैंने ये बोला था, ठीक है। तो आपने बोला कि अकाउंटेंसी इज बॉडी ऑफ नॉलेज, देखते हैं कि आखिर कितना बॉडी ऑफ नॉलेज है अकाउंटेंसी, ठीक है। जो बॉडी ऑफ नॉलेज है, पहले इसकी बात करेंगे, बॉडी ऑफ नॉलेज। ओके, देखिए बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब ऐसी बॉडी जो एक नॉलेज को कंटेन करती है। अब वो नॉलेज क्या है, देखिए हम देखेंगे अकाउंटिंग के प्रोस्पेक्टिव से। वो नॉलेज है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, ओके, कन्वेंशन, ओके, अजम्पशन, रूल्स, पॉस्टुलेट, ठीक है। ये जो चीजें हैं इनको नॉलेज बोला जाता है। जब कोई बॉडी इनको कंटेन करती है उसको बॉडी ऑफ नॉलेज बोला जाता है, ठीक है। बॉडी ऑफ नॉलेज इज अकाउंटिंग, ठीक है, ये बात याद रखना। बॉडी ऑफ नॉलेज इज अकाउंटिंग, ठीक है। जब हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं एंड इसके कॉज एंड इफेक्ट को जानते हैं, कॉज एंड इफेक्ट को जानते हैं, ठीक है, तब हम अकाउंटेंसी का यूज कर रहे होते हैं। अब प्रैक्टिस कौन करता है, CA, CS, CMA, ये प्रैक्टिस करते हैं इस चीज की, ये अकाउंटेंसी का यूज कर रहे होते हैं। देखिए अकाउंटेंसी इज ए प्रोफेशन, ठीक है। तो इसको कहा जाता है बॉडी ऑफ नॉलेज इज अ नैरो सेंस, बॉडी ऑफ नॉलेज इज अकाउंटिंग। जब हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं वो एक वाइडर टर्म बन जाती है, तो उसको अकाउंटेंसी बोला जाता है। तो इसको क्रॉस चेक मैं आपको एक बुक की रेफरेंस से करवाऊंगा, वो क्या है, देखिए यहां पर बोला गया है, ये बुक है बॉडी ऑफ नॉलेज, ये लिखा है बॉडी ऑफ नॉलेज कंसिस्टिंग प्रिंसिपल पॉस्टुलेट्स अजम्पशन कन्वेंशन कॉन्सेप्ट एंड रूल्स गवर्निंग द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग एनालिसिस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इज अकाउंटिंग, ठीक है। और जब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं और आर्ट ऑफ द साइंस, देखिए साइंस को कॉज एंड इफेक्ट बोला जाता है, ठीक है। प्रैक्टिस एंड आर्ट ऑफ द साइंस ऑफ अकाउंटिंग इज टर्म्ड एज अकाउंटेंसी, ठीक है, इसको अकाउंटेंसी बोला जाता है। तो होप सो आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। आगे जो बोलती हैं वो निशा पाल जी हैं। निशा पाल जी ने बोला है कि पुअर कंडीशन सर, एज सच मैंने इस वीडियो में कोई कंडीशन तो बताई नहीं, तो मुझे नहीं पता आप कौन सी कंडीशन की बात कर रहे हो। तो आगे बात करते हैं डाउट नंबर सेकंड, ठीक है, जो मीन डेविएशन की वीडियो थी, मीन डेविएशन, ठीक है, मीन डेविएशन की शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो है ये। ओके, शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो में रैप गॉड जी बोल रहे हैं कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और मीडियन दोनों इस ट्रिक से निकल सकता है। देखिए बिल्कुल निकल सकता है, आप मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मॉड भी निकाल सकते हो। आइए मैं आपको बताता हूं। देखिए अगर बात करें मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, इसके फॉर्मूले की बात करें तो समेशन एफ एक्स अबव मीडियन माइनस समेशन एफ एक्स बिलो मीडियन माइनस समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी अबव मीडियन माइनस समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो मीडियन इनटू मीडियन डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसमें। और अगर आप मॉड से निकाल रहे हो तो सर यहाँ पर मॉड निकाल लगा देना है और यहाँ पर भी मॉड लगा देना है, तो आपका मॉड से भी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पंकज मेहता जी बोल रहे हैं बेस्ट टीचर, थैंक यू सो मच पंकज जी। अगर थर्ड डाउट की हम बात करें
तो हर्ष मोदी जी बोल रहे हैं कि सर इज दिस ट्रिक एप्लीकेबल ओनली व्हेन मेन इज इक्वल टू द सीरीज। देखिए ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, अगर मेन सीरीज के इक्वल आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएंगी, अदरवाइज आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएंगी, लेकिन ऐसा सच कोई इसका दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे। अब मान लीजिए ये एक सीरीज है 1, 2, 5, 6, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक सीरीज है और इसका जो मेन है सर वो है 4, तो मेन इस सीरीज में नहीं है, तो इसमें आपको आसानी हो जाती है कि जो अबव वैल्यू है वो 5, 6 है, 2 वैल्यू है, और जो बिलो वैल्यू है वो 2 है, 1 है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें से ही इसका मान लीजिए जो मेन है वो 5 आ गया, ठीक है, तो इससे अबव वैल्यू 1 होगी और इससे बिलो वैल्यू ये 2 होंगी, ठीक है। तो इतनी सी बात है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उसके अकॉर्डिंग आप निकाल लेना। अब बात करते हैं थर्ड वीडियो की। थर्ड वीडियो जो है, थर्ड डाउट, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन शॉर्ट ट्रिक। ओके, शॉर्ट ट्रिक के डाउट लेंगे। तो अंशु पांडे जी बोलते हैं कि थैंक्स सर, मेक मोर वीडियोज ऑन शॉर्ट ट्रिक। देखिए जो शॉर्ट ट्रिक है वो मीन डेविएशन की और स्टैंडर्ड डेविएशन की ही होती हैं, हालांकि जो रेंज है क्वार्टर डेविएशन है वो बहुत ईजिली निकल जाता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए आगे बात करते हैं इमरान खान, सर फॉर्मूला इन केस ऑफ ऑड नंबर्स। ओके, ऑड नंबर का फॉर्मूला मैंने बता दिया था कि जो इवन नंबर का फॉर्मूला होगा वही ऑड नंबर का फॉर्मूला होगा। एक बार मैं फिर से यहाँ पर बता देता हूँ कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो होगा अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3। ये फॉर्मूला होगा इन केस ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है, अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट कर रहे हो। तो ये थे दोस्तों आपके द्वारा पूछे गए डाउट्स, उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। अगर अब भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, अगर कोई डिस्कशन हो तो जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।